समझा दिया गया है, वो काफी हद तक समझ गए हैं। जांच पड़ताल पूरी करके निष्कर्ष निकाल दिया जाएगा। ये दोनों पक्ष जो भी तहरीरें देंगे उसको तत्काल मुकदमे में उसको दर्ज कर लेंगे। ससुराल पक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉडीज को यहाँ मंगवाइए, हमने इनको समझा दिया है कि चूंकि आग लगी हुई थी घर में इसलिए बॉडी को हटाना जरूरी था, वरना उनकी पहचान भी करना मुश्किल हो सकता था। ये चीजें इनको समझा दी गई हैं, मान गए हैं। इनको कहा गया है कि जो कुछ भी लिखना हो लिख के दे दें, बाकी अभी परिजनों को और इनके ससुराल वालों को वहां पर ले जाकर के मोर्चरी सभी को बॉडी दिखा दी जाएंगी, जो भी लिखेंगे उसी आधार पर कार्रवाई होगी और पुलिस टीमें जो सच्चाई होगी उसको बहुत जल्दी निकाल के आपके समक्ष रख देंगे। अभी सर कोई मतलब रंजिश या किसके तहत कोई फिलहाल कोई रंजिश की बात नहीं सामने आ रही है, जैसा कि कुछ ससुराल पक्ष के भी आए थे। ससुराल पक्ष से मेरा तात्पर्य है जो मृतका सविता है उनके कुछ भाई ममेरे भाई मौसेरे भाई यहाँ पे आ गए हैं, तो उनका बहुत क्लियर कुछ अभी वर्जन नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी लिख के देना हो उसको दे दे ताकि पुलिस अपनी तहकीकात में वो सब चीजों को शामिल कर ले। इसके अलावा पुलिस इस एंगल पे भी काम कर रही है कि मायका और ससुराल पक्ष के अलावा भी कोई थर्ड पर्सन का भी इसमें हाथ हो सकता है, हो सकता है इन दोनों को भी कोई जानकारी न हो इस तरह की घटना हो गई हो, तो उस पर भी एंगल पे काम करेंगे। लेकिन हमारा पहला कर्तव्य है कि जो इनके परिवारीजन लिख कर दे रहे हैं उस पर भी हम अपनी एक टीम दो टीमें लगाएंगे। बाकी हम 5 टीमें अभी गठित करे हैं, जल्दी इसको 7 टीमें हम बना रहे हैं, 7 टीमों को रवाना करके सच्चाई को शाम तक क्लियर कर देंगे। धन्यवाद। सर एक चीज, सर ये जो कुसुम देवी को बताया गया कि उनके सांसें चल रही, उनका क्या? हाँ, मैंने अभी बता दिया आपको कि कुसुम देवी जो कि जब पुलिस टीम पहुंची थी उनकी सांसें चल रही थी, तो पुलिस का कर्तव्य था कि तत्काल उनकी जीवन रक्षा की जाए, तो तत्काल उनको यहाँ से अस्पताल रवाना किया गया था, परंतु उनकी भी मृत्यु हो गई है, ये सूचना मिली है। तो कुल 5 मृत्यु है, एक बेटी जो 5 साल की वो बच्ची हुई है। घर में कुछ लूटपाट भी हुई है कि? बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि बेडरूम में मैंने पहले भी बताया कि बेडरूम में आग लगी हुई थी, वो आग को बुझाया गया है। अब उसमें साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आग के उसमें अवशेष है, उसमें जाना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए वो चीजें बाद में निकल के आ सकती हैं। ठीक है।